नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वागत है आज मैं जो टी मेडिकल का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था जो कमीशन का एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर थे उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें और किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो मैं कोशिश करूँगा बनाने की चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन तो फोटो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या बनता है हमारे पास फॉस्पो ग्लाइकोलेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी द एसेंशियल एलिमेंट्स नीडेड फॉर वाटर स्पिल्टिंग इन टू द फोटोसेंसिस लीडिंग टू ऑक्सीजन एबल्यूशन इज तो इसके लिए मैगनीज नीडेड होता है तो सेकेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ पे होती है तो वो कहाँ होती है साइटोप्लाज्म में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द इंडक्शन ऑफ द फ्लाई फ्लावरिंग बाय द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड तो वर्नालाइजेशन बोलते हैं इसको तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं बट स्टिल टाइम और डिवोशंस जो है वो जरूरी होती है स्टडी के लिए अगर आप डेली के एटलीस्ट पचास या साठ क्वेश्चन भी देखते रहते हो तो तब भी आप एक मतलब इतना स्टैंड अप बना लेते हो कि आप कमीशन इजिली क्लियर कर सकते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ठीक है तो हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी गैडिलीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम तो इसमें रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स दे रखा है एल्गी रखा है फंजाई रखा है बैक्टीरिया दे रखा है तो कहाँ से होती है ऑप्शन सी दैट इज फंजाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन दल्ची साइटोकाइनिन इन ह्यूमन बींग स्टिमुलेट्स तो किसको स्टिमुलेट करता है वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क इज प्लेड बाय कौन सा प्ले करता है्यूमन बींग इज एसोटेड विद तो ये कैप्सूल कहां पे एग्जिस्ट किसके साथ एसोएटेड है लिवर के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर्थ द एल्वलाई ऑफ लंग्स इन द ह्यूमन बेंग आर लाइन बाय तो किस से लाइंड होती हैं तो ऑब्वियसली इसका राइट right आंसर भी रहेगा दैट इज स्विकमसिस एपिथिलियम नेक्स्ट लिंप वाइट टिश्यूज इन द्यूमन इज फाउंड इन तो थाइमस टॉन्सिस लिम्फ नोड सभी में एग्जिस्ट करते हैं तो ऑल ऑफ दिज राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द रिथ्रो इन द ह्यूमन इज सेक्रेटेड फ्रॉम तो किडनी से सक्रिय होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम्स की वजह से होता है ठीक है यूरोक्रोम्स जो होते हैं उनकी वजह से येलो कलर ऑफ यूरिन एग्जिस्ट करता है बीटर के इज प्रजेंट इन तो बिडर किनाल किस में प्रेजेंट होती है किडनी ऑफ फ्रॉग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन ग्लैनोइड कैप्टी इन ह्यूमन इज फाउंड इन तो कहाँ पे होती है पेक्टोरियल गर्डल के अंदर होती है ग्लेनोइड कैप्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द एरबोर बिटी इज ए पार्ट ऑफ तो सेरेवलम का पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन बिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी टिश्यू सॉरी डिजीज तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर दैट इज क्रेटिनिज्म क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू बिच हारमोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स तो इसमें से जो कौन सा हारमोन है जो मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स है तो एफ थ्री एफ नाइन फाइराइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ़ एन एप्पल इज तो कौन सा पार्ट होता है न्यूक्लियस ओब्री एंडोस तो होते नहीं है तो थाइलमस होता है इसका फ्लैशी एडिबल पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर द एनिमल गिविंग वर्थ टू जंग वंश आर तो जो जंग को जन्म देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम तो इसमें आप देख सकते हो ये भी देते हैं और ये भी देते हैं ठीक है तो ऑब्वियसली राइट ऑप्शन जो होगा वो बोथ ए एंड बी होगा मोस्ट ऑफ टाइम्स हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑप्शन ए ही टिक करके आ जाते हैं कि यही देते हैं ठीक है बट स्टिल राइट आंसर देखो इन्होंने पूछा गया कि जंग बंस को कौन से देते हैं जन्म ठीक है तो ये दोनों ही देते हैं तो राइट right आंसर क्या रहेगा बोथ ए एंड बी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव ड्यूरिंग माइक्रोस्प्रॉन्जिंजिस म्यूसिस अकर इन तो कहाँ पे होती है तो इसका राइट आंसर रहेगा माइक्रोस्कोप मदर सेल्स में तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आप इस क्वेश्चन पेपर में देख रहे हो ये आपको एक ट्रिपल थ्री अगर आप खरीदते हो तो उसमें आपको हाईलाइटेड जहाँ एमसी जो उसमें दिए होते हैं हो, उसमें दिख जाएंगे अगर आपको विश्वास नहीं है तो यू कैन चेकआउट एक कोई ट्रिपल थ्री खरीदो जब ऐसे भी देख लो किसी से देखो उसमें कि क्वेश्चन हैं कि नहीं इनसे रिलेटेड और ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मोस्टली दिख जाएंगे बायोलॉजी के चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हीड्रोट्रॉफिक फंजाइज कैन अलाइव एज तो ऑल द दबव आएगा इसमें सेप्रोफाइट्स भी होती हैं सेमवाइट्स भी होती हैं और पैरासाइट्स भी एग्जिस्ट करती हैं हीड्रोट्रॉफिक फंजाइज अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्टी सेवन क्वेश्चन की ए हैप्लाइड प्लांट मेल और फीमेल गैमिट्स बाय तो किस तरह से बनते हैं उनके मेल एंड फीमेल गैमिट्स तो माइटोसिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट द एंट्री ऑफ फॉलन ट्यूब्स इंटू द अब्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड तो प्रोगेमी बोला जाता है इस प्रोसेस को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन बिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड सेमनेल वेसिल, एम्प्यूला प्रोस्टेट एंड बुलवोरथ्रियल ग्लैंड तो इसमें एम्प्यूला जो होगा वो मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन ऑब्वियसली ऑबियसली ओवरीज़ ऑफ द मैमल्स में एग्जिस्ट करते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन ऑपोल्यूशन okay. ही टेक प्लेस नहीं होगी तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल ही नहीं है तो ओरल कॉन्स्ट्रेस जो होती है वो ऑपोल्यूश को स्टॉप करती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू गाइनो कोमास्टिया इज ए कॉमन फीचर सीन इन तो किस सिंड्रोम एग्जिस्ट करता है क्ल फ्लैक्टर सिंड्रोम में एग्जिस्ट करेगा तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री एंटीबॉडीज एजेंबल्स विथ बिच ऑफ द फ्लोइंग शेप्स तो इसका राइट आंसर रहेगा बाई बी इज द राइट आंसर वाई शेप की एंटीबॉडीज होती हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर इफ़ द बेस सिक्वेंस ऑफ कॉडोन इन मैसेजर आर एन एज फाइव ए यू जी टू थ्री प्राइम then the sequence of transfer RNA pairing with it must be तो कौन सा होगा पहले तो आप देख सकते हो कि उसके A के साथ C का sequence आएगा U के साथ A का sequence होगा और G के साथ U का तो इसके लिए कौन सा रहेगा option B is the right answer नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डी इज तो जो कोडिंग सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्जॉन बोलते हैं ठीक है रेप्लिकॉन लग चीज़ होती है इंट्रॉन लग चीज़ होती है म्यूटॉन लग चीज़ होती है ठीक है तो एक्जॉन जो होता है वो कोडिंग सेगमेंट होता है डीएनए का पार्ट सभी डीएनए के हैं बट कोडिंग सेगमेंट कौन होगा एक्जॉन तो जो हाफ नॉलेज होता है वो कई बार घातक हो सकता है वही बात होती है तो हम किसी भी ऑप्शन पर टिक करके आ जाते हैं जो हमने टर्म पढ़ी होती है बोलते हैं ए डी एन ए से रिलेटेड होगा ठीक है तो इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन इज तो ऑप्शन इज राइट आंसर रहेगा दैट इज वेरिएशन एवोल्यूशन के लिए कौन सी इनिशिएटिव फोर्स है तो दैट इज वेरिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल तो राइट इजी सा क्वेश्चन है बहुत टाइम पूछा भी गया है टेट में भी पूछा गया है तो साइकस इज़ द राइट आंसर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेट के जहाँ टी सी डीज कमीशन्स के, के भी पढ़ते हो तब भी यू कैन मतलब आप ज़्यादा नहीं मैं बोलता तो दस की मार्क्स तो नॉर्मली उन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चन से अचीव कर सकते हो तो टेन मार्क्स मीन्स कि ट्वेंटी क्वेश्चन उनमें से इज़िली आप गेंद कर सकते हो और वन और टू मार्क्स इज़ इनफ टू क्वालिफाई क्योंकि लास्ट पॉइंट पर यही जो होता है कि कुछ बंदे जो है लास्ट पॉइंट पर ही रुकते हैं तो उसमें आप पार हो जाओगे चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट एड्स इज ड्यू टू तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर किस वजह से होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेल्पर्टी सेल जो एड्स होता है एड्स वायरस होता है वो हेल्पर्टी सेल्स को खत्म कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन प्रेजेंटेशन इज डन एट टेम्परेचर तो काइरो प्रजर्वेशन सॉरी प्रेजेंटेशन नहीं कायर प्रजर्वेशनो बर्ड मतलब क्या होता है बिल्कुल लो टेम्परेचर ठीक है और किस टेम्परेचर पे होती है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टेम्परेचर होता है माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस ठीक है कायरफर्ड ही क्या होता है लो टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर तो प्रजर्वेशन जो की जाएगी वो कितने डिग्री पे की जाएगी माइनस नाइन्टी वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी हाइवर्ड विगज इज ड्यू टू तो इसका हीट्रोजाइगोसिटी रीजन होता है हाइवर्ड इन ट्रांसजेनिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसजीन इन टारगेट इज डिटरमाइंड बाय तो इसको रिपोर्टर डिटरमाइन करता है ठीक है रिपोर्टर नाम से ही क्लियर है रिपोर्ट करेगा वो डिटरमाइन करेगा एंड इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन बिच इको सिस्टम तो मराइन इको सिस्टम में क्या होता है आपका इन्वर्टेड पिरामिड एग्जिट करता है दो तीन पिरामिड्स होते हैं एनर्जी का पिरामिड्स पढ़ लो मराइन सिस्टम का पढ़ लो फ्रेस्ट का पढ़ लो तो आपको एक आइडिया हो जाता है जब आप नोट्स बनाते हो तो पिरामिड्स में से भी एग्जैक्ट कुछ एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर टाइम ठीक है तो एक क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो आप नेक्स्ट इकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया इकोटोन इज तो इकोटोन होता गया है तो एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन टू कम्युनिटीज ठीक है तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ठीक है ट्रांजिशन जोन है दो कम्युनिटी के बीच का जैसे ओवरटोन होता है फिजिक्स में बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम तो ऑशियन जो है वो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव द एक्टिव केमिकल ड्यूरिंग रेजरपाइन डिंग ऑप्टेन फ्रॉम्फिया से बनाई जाती है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स बट विल बी द सॉल्यूशन कंटेनिंग एटीन पॉइंट टू फाइव ग्राम ऑफ एस गैस इन फाइव हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर तो इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना सोल्यूशन जो है वो इतने के लिए चाहिए तो इसका चाहिए वन मोलर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेवेंटी सेवन द पेयर ऑफ आय्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज तो दैट इज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकाल सकते हो इजीली तो एफ थ्री पॉजिटिव और एम टू पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्फिकेशन सेम आएगी तो उसका राइट right आंसर क्या रहेगा आपके पास ऑप्शन सी सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मैं प्रडिक्ट करके बता देता हूँ इसमें आप एक चीज़ यहाँ पे प्रडिक्ट कर सकते हो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट दिया हुआ है वो ग्राम्स में दिया हुआ है ठीक है तो ग्राम्स में सॉल्वेंट किस में लिया जाता है मोलल कंसल्टेसन में ठीक है तो इसी से आपकी प्रडिक्शन हो सकती है कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है ठीक है तो मोलल रहेगा तो मोलल के लिए आपको दिस इज द राइट आंसर आंसर भी इन्होंने किए हुए हैं ठीक है वन मोलर इसका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट द बेब लेंथ ऑफ ए रेडिएशन हैविंग फ्रिक्वेंसी वन थाउजेंड हर्स इज तो इसके लिए आंसर रहेगा थ्री इन टाइम्स पावर सेवन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन्थ एलिमेंट विथ अटॉबिंग नंबर फिफ्टी सेवन बिलोंग्स टू तो ऑबियसली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस से बिलोंग कर रही है तो इसका राइट आंसर रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आपको नहीं प्रेडिक्ट करना आता है तो यू कैन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्फ्लिकेशन आती है तो उससे प्रेडिक्ट करोगे आप कि किस ब्लॉक में ये एग्जिस्ट कर रहा है अगर नहीं आता है आपको प्रेडिक्ट करना तो आप कमेंट में कमेंट करिए मैं आपको इसका ट्रिक भी बता दूंगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी की तरफ विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स हैव लोएस्ट आइनेशियन थेरेपी तो लोएस्ट आइनेशियन थेरेपी किसकी होगी बेरियम की नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी वन इन विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस बिल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रोंगेस्ट किसमें होगा तो हाँ, आप एक बॉन्ड एक चीज चेक करिए आपको ये नहीं बोला जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है मोस्ट ऑफ टाइम आप क्या देखते हो कि एच और सी एल में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा नहीं देखना है आपने बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेक्टिव एलिमेंट्स की दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ ठीक है तो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेक्टिव और दूसरे का क्या होना चाहिए हाइड्रोजन होना चाहिए ठीक है तो ये सबसे ज्यादा एग्जिस्ट किसमें करेगी वाटर में क्योंकि वाटर का शेप जो होगी वो इस तरह से है ठीक है तो ऑब्वियसली इस इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इसलिए बाइंड अप कर सकता है तो वाटर के साथ मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी टू बिच ऑफ हैज़ ए पिरामिडल स्ट्रक्चर तो जी सा क्वेश्चन है कोई टफ क्वेश्चन नहीं है अमोनिया का पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री मास ऑफ वन ट्वेंटी टू क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट एस टी तो इसका राइट आंसर रहेगा जीरो पॉइंट एट फाइव ग्राम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ए मॉर्फसॉलिड क्लास जो होता है वो सॉलिड होता है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फाइव की तरफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन एन टू ओ इज फोर फोर एग्जिस्ट करेगा इस तरह के मॉलिक्यूल अब आप इसमें फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है आई थिंक प्लस टू में स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स सॉलिड्स जो चैप्टर है उसमें आपको एक टेबल दे रखा होगा उसमें सारे ही इस तरह के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जो भी पॉसिबल्स होते हैं ठीक है उनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे तो उनके जो कॉर्डिनेशन नंबर वहाँ पे दे रखे हैं तो यू कैन मतलब उन स्ट्रक्चर्स को आप पढ़ लो उनके रिलेटेड जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आप इजीली तो इस तरह का कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें ए टू और वी हो तो उसमें ज़्यादातर प्रॉबिलिटीज़ क्या होती है हमारे पास जो उसका कॉर्डिनेशन नंबर होता है वो फोर आता है तो वहाँ से आप उसको स्टडी कर लो क्योंकि वो हर टाइम एक क्वेश्चन टेट में जहाँ आप कमीशन की बात करते हो तो पूछा ही जाता है केमिस्ट्री का चाहे वो नॉन मेडिकल का कमीशन हो या मेडिकल का कमीशन हो पूछा ही जाएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स की तरफ व्हेन वाटर इज एडेड टू क्यूक लाइन द रिएक्शन इज तो ऑब्वियसली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा हीट प्रोड्यूस होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी सेवन ऑफ द फ्लोइंग बेस तो बेस पूछा जा रहा है यहाँ पे ठीक है तो लुइस बेस क्या होता है बिच कैन ईजिली डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सॉरी ए, ए यहाँ पे एल सी एल थ्री लिखा हुआ है तो ये कोई बेस नहीं है इसके पास लोन पेयर नहीं है इसके पास नहीं है इसके पास नहीं है ठीक है होता ये भी बेस है बट इसके पास ओ एच नेगेटिव है ठीक है बट आ, इन्होंने पूछा हुआ लुइस बेस तो लुइस बेस कौन सा होगा अमोनिया बिकॉज अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है बिच कैन डोनेबल डूरिंग इलेक्ट्रोलिस दिन एट एनोड इज तो इलेक्ट्रोलिस में एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन तो यहाँ पे एनोड पूछा हुआ है तो आपका राइट आंसर रहेगा ए क्वेश्चन नंबर एटी नाइन विच ऑफ द फ्लोइंग आइन विल कॉज हार्डनेस इन वॉटर सैंपल तो वाटर सैंपल की हार्डनेस किसकी वजह से होती है तो इसकी वजह से नहीं होती इसकी वजह से नहीं होती कैल्शियम की कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन प्रोटोन इज लाइकली टू हैव हाई तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है प्रोटोन की हाई तो ये था आज अच्छा का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें और प्लीज़ अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इनमें से जो क्वेश्चंस आए हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो थैंक यू